লাস্টের রুমে যাইতে না করছে লাস্টের রুমটা যেতে না করছে ये हमारा त्रिपुरा पुलिस क्राइम ब्रांच जो नया विंग सरकार के आने के बाद में बना है वो यहाँ से अभी शुरुआत करेगा। पहले एडी नगर में जो हमारा ओल्ड सीएडी का जो ऑफिस था उससे फंक्शन कर रहा था, बिल्डिंग को रिपेयर करने में, मेंटेन करने में, प्लस वो जो फैसिलिटीज देने में हमें थोड़ा सा समय लगा है। अभी बिल्डिंग तैयार होगी तो हमारा जितना स्टाफ यहाँ अकोमोडेट हो सकता है क्राइम ब्रांच को सारा यहाँ शिफ्ट कर गया है और यहीं से फंक्शन करेंगे। एक नया बिल्डिंग, नया माहौल, सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ में किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट को अगर दी जाती है तो निश्चित तौर पर उसका काम भी बेहतर होगा और जो आदमी जो स्टाफ है उनका मनोबल भी ऊँचा रहेगा ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस अचीवमेंट है वो ही बेहतर हो। सर, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसे ले आने में क्या? साइबर क्राइम में तो पूरे देश में बढ़ रहा है, अगर मैं पूरे देश की बात करूँ तो हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है। साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए हमारे क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल सेल है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा साइबर क्राइम सेल है, जो वो भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हम बीच बीच में जनता की अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह हम अवेयरनेस कैंपेन करते हैं ताकि कम से कम लोगों को नुकसान हो पाए साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा। क्राइम ब्रांच जो है उसकी चार विंग है, उसमें सीरियस क्राइम है, इकोनॉमिक ऑफेंसेज है, एंटी नार्कोटिक्स है और साइबर क्राइम है। पूरी स्ट्रेंथ में होने के बाद, सारी सुविधाएं होने के बाद निश्चित तौर पे इसका बेहतर काम होगा। थैंक यू।